हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ का नियम। जी हाँ दोस्तों, किरचॉफ का नियम। तो आप वीडियो में बने रहिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किरचॉफ का नियम या इसको किरचॉफ का नियम या इसको किरचॉफ का नियम कह सकते हैं। अब कहिएगा ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसीलिए है दोस्तों कि एनसीईआरटी के बुक में अगर इसका हिंदी नाम देखिएगा तो किरचॉफ का नियम लिखा हुआ है। वही दोस्तों भारती भवन एक पब्लिशर है, उसका जो है देखिएगा तो किरचॉफ का नियम लिखा हुआ है। और एक मॉडर्न एबीसी पब्लिशर है, उसका बुक देखिएगा तो उसने किरचॉफ का नियम लिखा हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सब में जो है इंग्लिश स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यानी ये विदेशी वैज्ञानिक का नाम है। इसीलिए हिंदी में सब राइटर अपने अपने हिसाब से लिख चुके हैं, लेकिन इंग्लिश का स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग को इसका नाम और से कोई लेना देना नहीं है, सीधा पढ़ना है इसका नियम क्या होता है। तो दोस्तों, साधारण विद्युत परिपथ में धारा एवं विभवांतर का वितरण ओम के नियम से ज्ञात हो जाता है, लेकिन जटिल विद्युत परिपथ यानी कॉम्प्लेक्स विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में ये नियम लागू नहीं होता है। इसके लिए किरचॉफ महोदय ने दो नियम दिए, उन्हीं के नियम को किरचॉफ का नियम उनके नाम पर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये दो नियम क्या है? तो ये दो नियम कुछ इस प्रकार से है। एक पहला नियम है जिसको संधि नियम यानी जंक्शन लॉ कहा जाता है। तो पहला नियम क्या है दोस्तों कि चालकों के किसी जाल में, चालकों का जाल यानी चालकों का आप कह सकते हैं संधि, जहां पर बहुत सारा चालक आकर के मिलता है तो उसको कहेंगे चालकों की संधि। तो चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजीय योग यानी अलजेब्रिक सम दोस्तों शून्य होता है, किरचॉफ के पहला नियम के अनुसार यानी संधि नियम के अनुसार। और इस यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना बार पूछ चुका है कि किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत का पालन करता है? तो कहेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो दोस्तों, ये तो इसका लिखा हुआ था भाषा के रूप में, लेकिन इसको हम लोग समझेंगे संधि यानी जाल क्या है और इसका जो है पिक्चर की सहायता से इसको समझाते हैं। तो आप ध्यान से इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक जाल बनाया गया है जिसमें चार चालक को जोड़े हैं। कितने चालक को जोड़े हैं? चार चालक को जोड़े हैं और सबसे अलग अलग विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए किसी से 2 एम्पियर, किसी से 4 एम्पियर, किसी से 6 एम्पियर और किसी से 8 एम्पियर। तो यहाँ मान लिए हैं किसी से I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, किसी से I2 हो रहा है, किसी से I3 हो रहा है, किसी से I4 हो रहा है। तो इस नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है, सिग्मा आई का मान 0। भैया सिग्मा का मतलब हो गया योगफल और आई का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, यानी कि इस संधि में, इस जाल में, इस बिंदु पर सब मिल रहा है तो यहाँ पर विद्युत धारा का योगफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे देखते हैं यहाँ पर I1 है, तो I1 जो है पॉइंट की ओर जा रहा है, बिंदु की ओर जा रहा है। आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो के चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर I1 पॉइंट की ओर जा रहा है तो I1 लिख दिए, प्लस में I2 भी पॉइंट की ओर जा रहा है तो I2 लिख दिए, और माइनस में I3 इसीलिए लिखे दोस्तों क्योंकि माइनस पॉइंट से दूर जा रहा है। अगर पॉइंट की ओर जाएगा तो प्लस का प्रयोग करेंगे, अगर पॉइंट से दूर जाएगा तो क्या करेंगे, माइनस का प्रयोग करेंगे। तो I1 पॉइंट की ओर जा रहा था, I2 भी जा रहा था पॉइंट की ओर, लेकिन I3 पॉइंट से दूर जा रहा था। सेम इसी प्रकार दोस्तों I4 भी पॉइंट से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, यानी कि माइनस I4 इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इससे दोस्तों क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सोचिए इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? तो इससे दोस्तों ये निष्कर्ष निकलेगा कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली, किसी बिंदु पर क्या है, मिलने वाली विद्युत धाराओं का योगफल उससे दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है। इसको आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि चालकों के किसी जाल में
किसी बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का योगफल उससे दूर जाने वाली कुल विद्युत धाराओं के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर I1 + I2 माइनस में I3 था उधर गया, तो प्लस में माइनस में I4 था उधर गया, तो प्लस में यानी I1 + I2 का मान यानी I1 और I2 एक बिंदु एक पॉइंट पे आके मिल रहा है और I3 और I4 उसी पॉइंट से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यानी इस नियम के अनुसार ये समझ गए कि किसी भी चालकों के जाल में प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। या आप इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि चालकों के किसी जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का योगफल उस बिंदु से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी और ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं दूसरा नियम। तो इसका दूसरा नियम है, इसको दूसरा नियम को लूप या पास का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के दूसरा नियम को क्या कहते हैं, लूप या पास का नियम कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम लूप या पास का नियम इसीलिए है क्योंकि ये एक बंद लूप बनाता है। यहाँ पर चालक जो है पूरा खुला हुआ था, ओपन सर्किट था, और यहाँ पर क्या रहेगा, क्लोज सर्किट रहेगा, यानी बंद लूप बनाता है, इसीलिए इसे लूप का नियम कहा जाता है या पास का नियम कहा जाता है। तो ये नियम कुछ इस प्रकार से है, पहले आप ध्यान से देखिए, चालकों के किसी बंद जाल में प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, आप जो है बोर्ड पर भी वही बात लिखा हुआ है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। दोस्तों आप इसको कितना भी रट लीजिएगा तो याद नहीं होगा, लेकिन आप इस फिगर को अगर याद देख समझ लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए ये नियम याद हो गया, जिस प्रकार से इस नियम को फिगर से समझे थे। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर क्या है। यानी फिगर कुछ इस प्रकार से बंद लूप बनाया गया है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर I1 है और I1 इधर की ओर जा रहा है, और इस जो है इस रूट में जो है क्या है, R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इसी प्रकार से इधर से I2 जा रहा है, लेकिन I2 वाला रूट में दो जो है डिवाइस है, यानी एक विद्युत वाहक बल यहाँ सेल लगा हुआ है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसका प्रतिरोध क्या है, R2 है, और इससे क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, I2 होती है, और तीसरा जो है चालक है, I3 धारा प्रवाहित होती है, और इसका प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो देखिए इस भाग से विद्युत धारा कितना होता है, I1 तथा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या है इसका, R1, तो विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, यानी I1 और R1 को गुणा कर दिए प्लस में, फिर दूसरा परिपथ लेंगे तो ये इस प्रकार से जा रहा है, तो इस प्रकार लेंगे तो प्लस में I2 इंटू क्या हुआ, R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर तीर का चिन्ह, एरो का चिन्ह, देखिए इधर से ये इधर की ओर जा रहा था, फिर इधर से ये इधर की ओर, यहाँ तीर का चिन्ह बना हुआ, लेकिन इसमें इधर की ओर आना चाहिए, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू करे तो प्लस के स्थान पर माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी -I3 × R3, तो ये तीनों हो गया, प्रतिरोध हो गया विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध हो गया विद्युत धारा हो गया, यानी डिफिनेशन के हिसाब से विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग। और क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये पूरा सर्किट परिपथ बनाया गया है, तो इसमें विद्युत वाहक बल क्या है दोस्तों, ई है। विद्युत वाहक बल को डिनोट करते हैं ई से, यानी इस पूरा परिपथ का विद्युत वाहक बल ई है। यानी ये किरचॉफ का दूसरा नियम था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का
पालन करता है। किरकहॉफ का पहला नियम दोस्तों आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरकहॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। तो आप ये किरकहॉफ का नियम का जो है नोट्स बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।